नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैलेंज 36 में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पैरों में होने वाले फंगस, पैर में जो हो रहे हैं फंगस यानी पैरों के अंगूठे में पानी लग गया हो। पानी लगने के जैसे बरसात का मौसम है या ठंड का मौसम है या ज़्यादा आप पानी वाला काम करते हैं होटल वगैरह में या कहीं भी, तो आपको पानी लग गया। पानी लगने के कारण वहाँ पे दरारें पड़ गया हो अंगुली में, बीच में लगता है, किनारे नहीं लगता, चाहे आपके अंगूठे में अगर पानी लग गया हो इस तरह के, यहाँ इस बीच में लग जाता है पानी। मैंने बहुत लोग को देखा है और काफ़ी दवाइयाँ करने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे घरेलू नुस्खा ले कर आया हूँ जिनको करने से आपको कुछ ही दिन में, ये बोले तो 2 से 3 दिन में आपको तुरंत ये पानी का या फंगस हो गया है, पैरों में फंगस हो गया है, जो पानी लगने से, बरसात के दिनों में पानी लगने से हो गया है, तो उसे हम लोग कैसे ठीक करें। तो आज मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खा ले कर आया हूँ। सबसे पहले बड़ी बात है कि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तो चलते हैं हम अपने नुस्खे के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉल ले लेंगे आप, बॉल में थोड़ा सा टुकड़े ले लेंगे इस तरह का, इसको छील लेना है आपको अच्छी तरह से, इतना ही आपको ले लेना है, इसको अच्छी तरह से कूट लेना है आपको, किसी मदद से आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, इसी तरह छोटा छोटा या चाकू से या किसी भी चीज़ से इसको बारीक बिल्कुल कूट लेना है। ध्यान रखें इसको पीसना नहीं है, चटनी की तरह पीसना नहीं है, कूट लेना है इस तरह के चम्मच से या जैसे आपको इसको लेना है ऐसे ऐसे आपको करके कूट लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे कण में आपको इसको कूट लेना है। दूसरा चीज़ जो इसमें लेना है, क्योंकि ये है अदरक, अदरक में एंटी इंफ्लेमेंट होता है जो सूजन को और दर्द को कम करने में काफ़ी मदद करता है। दूसरा जो चीज़ है वो है टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच आपको ले लेना है। आधा चम्मच तीसरा और लास्ट जो चीज़ जो हमको मिलाना है वो बहुत ही कारगर है, जिससे त्वचा को मुलायम करने में ये काफ़ी मदद करेगी, जो पहले की तरह था बिल्कुल स्किन वैसा आ जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिष्टी दही। इसमें हल्का सा आप दही ले लेंगे, तो दही लेकर इन तीनों का मिश्रण बिल्कुल लेप की तरह आपको बना लेना है। लेप आपका गढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का सदा ध्यान रखेंगे कि लेप जो है ना आपका एकदम बिल्कुल गढ़ा होना चाहिए, ताकि जहाँ आप यूज़ करें वहाँ बिल्कुल अच्छे तरह से लग जाए। और जब भी आप इसको करें तो आपको पहले पैर जो हाथ या पैर जहाँ भी आपके फंगल या पानी लग गया है तो आपको पूरी अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लेना है बिल्कुल, और किसी सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है ताकि पानी का एक अंश ना हो। और इसको जो आपने ये बारीक पाउडर बनाया है इस तरह का गढ़ा होना चाहिए, आपको ऐसे गैसे गैसे में लगा के छोड़ देना है, कम से कम भर के छोड़ देना है। इसको रात में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में ये बहुत ज़्यादा असर करता है, दिन में नहीं करें। दिन में करने से आपको ये होगा कि आप कुछ काम करेंगे पानी वाला या तो धुल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, हट जाएगा। रात में करके आपको सो जाए, यदि आपको थोड़ा सा अगर तकलीफ है पैर में हो गया है तो आप कर क्या कर ले, पैरों में मोजे वगैरह पहन ले या कपड़े ऐसे बांध लें
हाँ ये ध्यान रखें इसका कि लेप जो आप लगाए हैं तो वहाँ पे लगे हुए रहना चाहिए, सुबह तक आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एक दिन में ये एक दिन में बिल्कुल असर करता है, एक दिन में ही ये गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा हो गया यानी ज़्यादा दिन से पानी काम कर रहे, दवा खा रहे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको इसको 1 से 2 दिन कर लेना। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों का तेल आपको नाभि में बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ा सा एक बूंद, जब ये लगाने के बाद नाभि में एक बूंद सरसों का तेल आपको इस तरह से मालिश करना है, कम से कम 1 मिनट गिनकर 1 मिनट आपको सरसों के 2 बूंद तेल उसमें डाल देना है। उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मालिश करना है, कम से कम 1 से 2.5 मिनट आपको इस तरह मालिश करना है और सो जाना है। इसको करने से आपको बिल्कुल राहत ही मिलेगा, आप इसको करके देखें, बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करके ज़रूर बताएं, और उन माताओं को ये नुस्खा ज़रूर करें, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैंने बहुत बार इसको इस्तेमाल करके देखा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दवा जो काम नहीं करेगी वो ये काम करेगी, इतना ज़्यादा असर है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय।